पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। संतोष चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है, सब उन्हीं के पीछे पड़े। मैडम सर, हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहा है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह, हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर, हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना, वो कभी हमको धोखा नहीं देती है, ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी। जय मैडम सर। पुष्पा जी, हमसे पहले सनी चड्डा, बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। फेक न्यूज। असली खबर तो इधर है मैडम, करेक्ट इन्फॉर्मेशन का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। मुद्दे पे आओ। हाँ तो आ जाते हैं मुद्दे पे। मैडम करिश्मा जी एकदम सही कह रही थी, ये जो गोविंद है ना, ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है, पहले से उसकी बीवी है। हाँ, पता है, पहले से शादीशुदा है, फिलहाल दुबई में रहता है, उसका नया फ्लैट इंदिरा नगर में, फ्लैट का नंबर 102 है, मकान मालिक का नाम राजेश अरोड़ा है और उसकी बीवी का नाम पायल है। गलत। बीवी का नाम है गायत्री, शास्त्री नगर में रहती है, फ्लैट नंबर है 227, मकान मालिक का नाम है इम्तियाज शेख, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी खुद मिलकर आ रहा हूँ, समझे? अरे हम तुमको बता रहे हो पायल। जय हिंद मैडम सर, मैंने पता लगा लिया है, वो पारो का पति गोविंद के बारे में। पता है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका बीवी का नाम पायल है। गायत्री है मैडम, गायत्री। पायल है मैडम, पायल। रागिनी है मनीषा। मनीषा श्रीवास्तव नाम है उनका, फ्लैट नंबर 305 मालवीय नगर, मकान मालिक श्रीनिवास राव। खुद मैं वहां गया हूँ, खुद फोटो दिखाया है, खुद कंफर्म किया है, खुद। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? कौन है आदमी जिसने एक साथ 5-5 लड़कियों से शादी कर रखी है? वो उनका हस्बैंड है। हमें इतना कुछ तो हमने भी नहीं सोचा था, हमको लगा ये केस छिप के लिए, लेकिन ये तो मगरमच्छ निकला, इतना बड़ा जालसाजी। पता लगाओ कौन है ये गोविंद जिसने 5 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रखा है। जी मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ? कल सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाया है। I'm sure it's about you. और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लड़कियों को भी बुलाया होगा। क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पारो। कैलकटा, मैं वहां चले जाता हूँ और तुम लोग बिना कहीं पे छुप जाओ, और अगर हो सके ना तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो कहता हूँ। ओके, टेक केयर। हमने उन औरतों को 11 बजे बुलाया था मैडम सर, कोई भी नहीं आया। हमने पहले ही कहा था मैडम सर। उस वो पारो को फोन लगाइए। जी मैडम सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो और भी तो लड़कियां हैं, किसी को ट्राई करिए। जी मैडम सर। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है मैडम सर। हमने कहा था मैडम सर, कुछ गड़बड़ जरूर है, पुलिस का नौकरी में ना एक नजर ही काफी होता है। किसी का भी नहीं लग रहा है। रुको, चुप्पो, चुप्पो, चुप्पो। होने के बाद
अम्मा का आप बोले जा रहे हो तुम भी। अम्मा बकोगे किसके इंतजार में छुपे हैं यहाँ? मैडम आपने कहा तो गोविंद का पता लगाओ। हाँ तो पता लग गया। अच्छा हाँ। इसी रास्ते से आएगा वो, इसी रास्ते से। का बात कर रहे हो? हाँ मैं जाऊँ। काहे? नहीं काहे मतलब हसीना मैडम को ये सब पता लग जाएगा तो मेरा बिल्लू नहीं छीना जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारा जिंदगी तुमसे छीना जाएगा। हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि गोविंद इसी रास्ता से आएगा? पारो का पीछा किया था वो किसके लिए? तुम्हें पता है ना इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है प्लीज कहीं से भी उसका बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है। मेन बाजार में सोनू आइसक्रीम ठेले वाला भैया है, मैं उसके पास पैसे छोड़ जाऊंगी। तुम ठीक 11 बजे उनसे पैसे कलेक्ट करना और सीधा कोलकाता के लिए निकल जाना। ठीक है? ठीक ठीक। बिल्लू द स्पाई। मैडम मेरे ख्याल से हसीना मैडम को बुला लेना चाहिए। काहे? काहे का? काहे मतलब काहे? आप भूल गई, हसीना मैडम ने आपको मना किया है कि इस केस में नहीं पढ़ना है, उसके बावजूद भी आप इस केस में कोशिश कर रही। मेरा तो बिल्लू निवास मतलब चला जाएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह आपकी है, आपका प्रमोशन तो गया। मैं यहाँ से जाता हूँ, हसीना मैडम को लेके आता हूँ, फिर आप गोविंद को उनके हवाले कर दो। गोविंद को देख के हसीना मैडम वाओ, आप केस पे ना होते हुए भी उनकी मदद कर रही है, आपका प्रमोशन पक्का। चाबी लाओ, चाबी लाओ। टोपा लिखा है क्या? नहीं। ज्यादा टोपा गिरी मत करो, हसीना मैडम यहाँ आएंगी फिर अपने जज्बातों की आइडियोलॉजी की टांग अड़ाकर हमारे किए धरे पर पानी फेर देंगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे, समझ गए? प्रमोशन? जब ये केस सॉल्व होगा ना तो अपने आप प्रमोशन के लेटर पर साइन हो जाएगा, ये केस हमारा है। एक और सवाल ना। बक 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 बक। नहीं उस गोविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो किस जुर्म में पकड़ेंगे उसको? बेटा बिल्लू तुम किस दिन काम आओगे बे? तुम लाके दोगे हमें सबूत? हम कैसे लाके देंगे? जैसे ही गोविंद आएगा ना तुम उससे जाके टकराओगे। मैं लड़की को छेड़ू? तुम आगे का बात सुनोगे? हाँ हाँ सुनाओ। और जैसे टकराओगे ना उसके जेब में पर्स डाल दोगे। अरे मेरा काम तो निकलवाना है। तो इस बार डालना है। बहुत मुश्किल है। कुछ बोले बे? नहीं नहीं। फिर फिर जैसे ही तुम उसके जेब में पर्स डालोगे तो तुम जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर 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 चोर 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 चोर। सब कुछ मुझे ही करना है, आप कुछ करोगी? हम आएंगे वहाँ पे और जब आएंगे तो उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे, समझ गए? ठीक है जाते हैं। गोविंद आया, गोविंद आया, गोविंद आया। तो हमें जाओ ना। जाते हैं। पर्स कौन लेके जाएगा? तुम्हारी तो भैया वो पारो जी एक पार्सल छोड़ के गई है। हाँ तो दे दीजिए अगर आपके पास हो तो। भैया मटका कुल्फी कैसा दिया? ये मेरा जेब है, छोड़। तो मेरा जेब किधर है? मेरा जेब इधर है। चोरी करता शर्म नहीं आता? ये हमारे ही बटवा है। तुम हटो यहाँ से, तुम चलो। हम कहे? हमारा तुम्हारा ही बटुआ चोरी हुआ है ना तो तुम ही रिपोर्ट लिखवाओगे या हम लिखवाएंगे? नहीं नहीं मैडम हमका कोई रिपोर्ट विपोर्ट नहीं लिखाना है, हमारा बटवा हमारे पास में, जाओ तुमको माफ किया। हमको ऐसे कैसे बाबू, कायदा कानून भी कोई चीज होता है कि नहीं? चलो मैडम हमारी बात सुनिए। मैडम बहुत खतरनाक है। चलो मैडम मैडम उस्मान एक बिरयानी दो जल्दी। बिरयानी अब भी लाया तुम? यानी उस्मान शादी के ऑर्डर के लिए बाहर गया है। हां ठीक है ठीक है ठीक है तुम बिरयानी लाओ। बेटे बिरयानी का बिल मेरे खाते में लिख दियो। संतोष जी ऐसी सैडनेस आपके फेस पे सूट नहीं करती, क्या हो गया मकान नहीं मिला क्या? तुझे क्या लगता है मकान ढूंढना आसान काम है? तो इसीलिए तो कहते हैं संतू जी, इसीलिए तो कहते हैं कि आप ना शादी कर लीजिए, फिर मकान नहीं पूरा का पूरा घर आपका हो जाएगा और आप किराएदार नहीं मकान मालकिन बन जाइएगा। चिड़िया घर की क्यों?
बेटा जहाँ तू रहेगा वहीं तो मालकिन बनेगी संतोष जी। बेटा जुबान खींच के फ्राई करने में बहुत कड़ा रिकॉर्ड है हमारा। तो तेरी जुबान से बड़ा शहर तो पता है। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ गायब हो चुकी है और आप लोग यहाँ खड़े होकर मजाक कर रहे हैं? मैडम सर वो कल लास्ट है, मुझे हॉस्टल खाली करना है, पर कोई घर देने के लिए तैयार ही नहीं है। नवाब साहब ने भी ना बोल दिया, हर किसी को मैरिड कपल को ही घर देना है, तो ये तो गलत है ना। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी, मैं तैयार हूँ। उससे पहले शमशान घाट नहीं पहुंचा था हम तुमको? अबे झूठी शादी की बात कर रहा हूँ लालटेन। झूठी शादी? हाँ संतोष जी, आप मकान मालिक को बोल देना कि आप शादीशुदा, मैं आपका नकली पति बन के साथ चल लूंगा। एक बार मकान मिल जाए ना तो बोल देना कि मेरी नौकरी विदेश में लगी हुई है, इसलिए घर आता हूँ आपसे मिलने सिर्फ साल में एक या दो बार, सिंपल है ना मैडम? मैडम सर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि केस का क्या हुआ? केस तो सॉल्व हो गया।